जुजु आ फातरो तरो बैकुंदरा दाजु मो टाइम सतो पेतुन मु जयसन सागमा मु तुम्हारे कांसु होबर जानने दिबा तेचुंग तुम्ही बेगे उदिच प दाजु मो टाइम्स नि तो तुम्हारे गम गम होबर तुली दुर्बा चेष्टा करर बागुरीर ठीक से दिकिंग गुरी गेल लेहली आमी आगरतला नंदन नगर बेराजी सिदु आमार जानार मोर हार नल दे ओएनजीसी स्पॉन्सर्ड सुपर 30 तारेकान प्रोग्राम इनिशिएटिव गुचुन जियोत नाही 30 जन छात्र रे तारा सिदु एडमिशन गोरान जियोत आईआईटी एडमिशन होते आईआईटी कोचिंग तारा फ्री भावे हाना दाना होते तारा सिधु हॉस्टल तारा सिधु रागान 11 मजते ते मुई अरकान होबाते जे ए कोचिंग सेंटर जितो तारा एडमिशन होबाते सान यो विशेष गुरी तारा टारगेट करने जे छात्र गुण ऑलरेडी 12 पास गुचुन बा ड्रॉप आउट गुचुन तारा जितो कोचिंग गुरी बा जितो सान তারা এই কোচিং অত এডমিশন হই পারে কিন্তু তারা পরীক্ষা দি ফেবাক এই তারা সুপার 30 তরবত্ত নয় তারা পরীক্ষা লন আর এই যে এডমিশন হব দে তারা টোটালি হোস্টেল ইদু তারা ইয়ত অলওয়েজ 24 আওয়ার্স মাত্রন থেবাক যিগুন ফ্যাকাল্টি এখন যে ফ্যাকাল্টি গুন এখন সিগু ন লাখে বারেতুন তারা অলরেডি আইআইটি পাস আউট বা আইআইটি কোয়ালিফাইড তারা এদে ত্রিপুরাতুন নয় ত্রিপুরা বারেতুন তারা এসে মাত্রন তারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স তারা সিগান তে মুই তারাতুন যে ইয়বো আগে ইনচার্জ আগে যে এই সুপার 30 যে ইনচার্জ আগে নন্দননগর তার লই আমি হদাবার্তা ফার্জার করছি সে হদাবার্তা এই ভিডিও সেজার পরে তুমি এই আর কো ভিডিও অবশ্য তুমি সে ফাইরে জু আ ফাতর তর বেকন্দ্রা দা জুমো টাইম সত পেতুন মুই জয়সেন সাকমা ইকু আমি লুঙ্গাগে আগরতলা নন্দননগর আদামত তে ইদু এজানার আমার মূর হারণ দে ইদুর একো ইনস্টিটিউট আগে যে নাহি ছাত্র অনরে তারা কোচিং দন আইআইটি আর যেগুন ইয়ো আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে আগুন এনআইটি হোক বা আইআইটি হোক তারাতে ফ্রি কোচিং করন সেফ হই দেনে আমি ইচ্ছে তারা এই হোস্টেলত বা তারা ইনস্টিটিউট আমি লুঙ্গাগি নন্দননগরত তে ইদুগর যে ইনচার্জ আগে আমি তার লই হদাবার্তা ফার্জা করিব তারে হদাবার্তা ফার্জার করিবারকে মুই তার তার লয়ার মল লয়ান আমার হদাবার্তা বৈশান আমি হিন্দি দি ফার্জার করিবং সেনেতে এই ভিডিও হিন্দি দি হব সবসে পেলে স্যার আপকো স্বাগত হ্যাঁ দা জুমো টাইমস মে তো আপকা পরিচয় মে জাননা চাহুঙ্গা আপ মেরা নাম বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তা হ্যায় মে সুপার 30 যে যে প্রোগ্রাম হ্যায় ये ऑल अक्रॉस इंडिया में हमारा चलता है। हम एक नेशनल एनजीओ को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम है सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। इसका बहुत सारे यूनिट्स ऑल अक्रॉस इंडिया में 25 यूनिट है। तो ओएनजीसी इसका स्पॉन्सर है, इसका ब्रांड नेम है ओएनजीसी सुपर 30। तो ये लास्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2021-22 में हमारा फर्स्ट बैच है। मेरा नाम विश्वजीत दासगुप्ता है, मैं यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब पोजिशन में हूँ। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो ओएनजीसी के तरफ से दिया हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आप प्रोस्पेक्टस मैंने देखा है तो यहाँ पर सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा ये जो छात्रों को दिया जाता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो छात्र है जो स्टूडेंट्स है वो लोगों को कौन सा क्या बोलते हैं कौन सा एलिजिबिलिटी कौन सा है क्या है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ कि ये ओएनजीसी का सीएसआर इनिशिएटिव है, जो हमारा जो नेशनल एनजीओ है सीएसआरएल सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, ये इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स आता है उसको हम लोग 10+2 साइंस में जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसी को लेता है, मगर हम लोग ड्रॉप आउट बच्चे के लिए ये प्रोग्राम रन करते हैं। जो स्टूडेंट्स 2022 में 10+2 साइंस लेके पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है तो उसी को 8 साल के लिए हम लोग हमारे कैंपस में उसको रखेंगे, उसका रहना खाना एंड एकेडमिक जो भी सपोर्ट चाहिए एडुकेशन में वो कंप्लीट फ्री है, ठीक है। और उसको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, हम लोग यहाँ पे नया है तो इसलिए आप लोगों का चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहता है, बहुत सारा सीट्स अभी भी जो बचा है जो स्टूडेंट्स एपीआर करना चाहता है, स्पेशली यहाँ पे इतना कम्युनिटीज़ हैं जो हमने नाम सुना है 19 कम्युनिटीज़ है ट्राइबल्स, अभी 20 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वहाँ से एक भी स्टूडेंट हमारा पास नहीं आया है। तो एक प्रोग्राम जो है ये रिमोट एरिया का जो
स्टूडेंट्स है जिसको पता इच्छा है आईआईटी ट्रैक करने के लिए, मगर उसके फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उसी बच्चे को हमारा तलाश है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वो तमाम स्टूडेंट्स के पास जाना चाहती हूँ, ये बोलना चाहते हूँ, अगर 2022 में आपने क्लास 10 प्लस 2 पास किया है और हमारा अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज़, तो काइंडली आप लोग ज्वाइन करें और इसको सिलेक्शन में ये पार्टिसिपेशन करें। तो मैं जानना चाहूँगा आपका प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप बोले जो ड्रॉप आउट्स है, आपका फोकस रहता है कि ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट जितने भी है उन लोगों को आप ज़्यादा फोकस कर, तो प्रोसेस क्या आता है, क्या इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ, प्रोसेस ये है कि ये प्रोसेस एक्चुअली लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, हमारा प्रोसेस 8 साल पहले से शुरू हो जाता है। मतलब त्रिपुरा के केस में क्या हुआ, त्रिपुरा में हम लोग नया आया है तो इसलिए हमारा जानकारी भी थोड़ा कम हो रहा है। एक तो हमारा बिल्डिंग जो सेटअप आप देख रहे हैं यहाँ पे नंदन नगर में सरकारपाड़ा में, ये एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग खैरपुर में थे तो वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र होते थे, तो वहाँ पे थोड़ा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए ये बिल्डिंग में लाया है। ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के रहने के लिए भी व्यवस्था अच्छा है। तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर ये होता है, जो हमारा तरफ से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेटअप किया गया है, वो क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स रिटन में एग्ज़ाम करेंगे, दोज हुआ क्वालिफाइड इन रिटन एग्ज़ाम वो हमारा जो सेटअप फैकल्टी मेंबर्स है इंटरव्यू के लिए वो उसको इंटरव्यू करेंगे, उसमें जो शॉर्टलिस्टेड होगा उसको लिस्ट फाइनलाइज करेंगे दिल्ली से। तो हमारा काम है हम लोग स्टूडेंट्स को बुला के एक रिटन एग्ज़ाम लेंगे और फैकल्टी उसको उसके एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू कर लेंगे, उसका जो मार्क्स है उसका 10 का 12 का मार्क्स, उसका इंटरव्यू का मार्क्स एंड उसका रिटन एग्जाम का मार्क्स, ये चारों मिला के कंपोजाइट स्कोर बनता है। ये कंपोजाइट स्कोर का हम लोग के पैरामीटर करते हैं और मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम लोग का उसको एडमिशन देते हैं सुपर 30 में। तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने के लिए कुछ रिजर्वेशन का आप क्राइटेरिया है क्या, फिर आपका कुछ कोटा है क्या, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स को आप जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको ही आप एडमिशन दिलाते हैं या फिर रिजर्व कोटा भी है? नहीं, रिजर्व कोटा बोले तो हर जगह में हमारा बैलेंस होता है, जैसे कोई एक सेंटर में अगर 30 स्टूडेंट है उसमें 10-11 स्टूडेंट्स EWS OBC होता है, 12-14 स्टूडेंट ST होता है, इतना आउट ऑफ 30 में 7-8 या 10 मैक्सिमम गर्ल्स होता है, तो इसी हिसाब से हमारा स्टूडेंट यहाँ पे भरता है। तो देर इज़ नो फिक्स फॉर जनरल 11 SC 9 ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ इस बार हम लोग जो बैच भरने जा रहे हैं सुपर 30 फॉर द बैच 2023, इसमें हम लोग को लैटिन ऑफ गर्ल्स इन ST एंड लैटिन ऑफ बॉयज़ इन ST। ST कम्युनिटी में एज यू सेड देर इज़ 20 कम्युनिटीज़, तो बट अभी तक हमारा पास कोई भी कम्युनिटी का स्टूडेंट्स हमारा पास दाखिल नहीं किया, तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये फॉर द पुअर पीपल, दोज हु हैव अ ड्रीम फॉर IIT बट दे डोंट हैव मनी, तो जिसके पास वो मनी नहीं है तो वो अगर सपना है IIT जाना है तो उनके लिए मैं ये वेलकम करना चाहता हूँ, आप लोग आइए हमारा प्रोजेक्ट में एग्ज़ाम में बैठिए और इंटरव्यू में पास करिए और ये अपना प्रोजेक्ट समाज के अपने यहाँ पे दाखिल लीजिए। जैसे कि आपका जो नाम दिया हुआ है ONGC सुपर 30, जैसे सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को ही आप एडमिशन करवाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो फैकल्टी है वो फैकल्टी कितने फैकल्टी है इस इंस्टीट्यूट में? अच्छा, बेसिकली जो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो 11 मंथ्स रेजिडेंशियल होता है, ये 11 मंथ्स में बच्चे हमारा साथ रहेंगे, तो इसका जो फैमिलीज मेंबर्स है वो एक बार महीना में डेट में आ सकते हैं, इसका कुछ छोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट है वो उसको दे सकते, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दिस उसका यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ पे सोएंगे, और जो एकेडमिक पार्ट है वो हमारा फैकल्टीज रेजिडेंशियल है, तो ऊपर में हमारा 3 रूम्स है, एक फिजिक्स सर के लिए, केमिस्ट्री सर के लिए, मैथ सर के लिए, फसल लोग यहाँ पे रहते, सुबह में क्लास लेते हैं, फिर उसका डाउट सेशन इवनिंग में करते हैं, फिर बच्चे PR लर्निंग करता है, ग्रुप स्टडीज करता है, इन बिटवीन अगर बच्चे को कोई भी डाउट्स आए तो फैकल्टी 24/7 बच्चे के साथ रहता है। तो सुबह से लेकर शाम तक टीचर्स हमेशा गाइड बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स के साथ? हाँ, धन्यवाद। तो सर मेरा और एक सवाल होगा कि सर यहाँ पर जो टीचर्स लोग हैं जो वो लोग कहाँ से है और उन लोगों का कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग में?
बेसिकली हम लोग का टारगेट ही होता है जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाएंगे वो IITian बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अभी जो हमारा सर लोग है ऑल थ्री सर फ्रॉम IIT बैकग्राउंड, एक है झारखंड से है, एक है दिल्ली से, एक है गुवाहाटी से। तीनों फैकल्टीज़ जो है, एक फिजिक्स फैकल्टी जो है उसका नाम है अविनाभ अनुभव कुमार, जो मैथ्स का फैकल्टी है उसका अविनाभ कुमार, एंड केमिस्ट्री जो है शिवलाल नमादास। बोथ ऑल आर पसिन फ्रॉम IIT गुवाहाटी, IIT BHU एंड IIT रूटीज। तो मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर इसमें जो आप एडमिशन जो करवाते हैं वो एडमिशन क्या इस साल लास्ट डेट कौन सा तारीख है जो एकेडमिक सेशन 2022 और 2023 का, वो आप बता देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, ये अभी हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 60% सीट कवर हो चुके, अभी भी 40% सीट खाली है। इसके लिए हमारा वो इंटरव्यू चल रहा है, रिटर्न एग्जाम चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिसका ये सपना है IIT बनना है और उसके पास ये सपना अधूरा ना रह जाए, इसे जितना जल्दी हो सके विद इन 25th of July। ये हमारा जो एड्रेस आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये ONGC सुपर 30 नंदन नगर सरकारपारा, ये एक रिसोर्ट था गार्डन हाई रिसोर्ट, उसका अभी रिसोर्ट नहीं है, वो अभी हम लोग इसको ऑक्यूपाई किए हैं। इसके लोकेशन का मतलब वो एक लैंडमार्क है, यहाँ पे आ जाओ, आ जाके हमारा साथ बात करो और यहाँ पे एग्ज़ाम में दाखिल करो, नहीं तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपना नंबर भी शेयर कर देंगे, तो वो आप बच्चे लोग अगर इसके अवेल करेंगे तो हम उसको गाइड कर देंगे क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद सर।